स्लिप होती है बार बार जी, क्यों होती है, किस कारण होती है जी, इसको थोड़ा समझ लेते हैं जी। ठीक है जी, ये एक वाय का रोग है जी, ये वायु बढ़ जाने के कारण बॉडी में ये समस्या जो उत्पन्न होती है जी। ये गर्दन के उपरले मन के में जब वायु बढ़ जाती है जी, जो बड़ी खुच वाली नाड़ी होती है उस पे प्रेशर पड़ता है वायु का, तो ये दब जाती है और जिसकी वजह से गीची में दर्द उत्पन्न हो जाता है और सिर में भी दर्द रहता है, चक्कर आते हैं और आँखों में भी दर्द रहता है जी। ठीक है जी, जब नीचे की तरफ आए तो डिस्क है जो कमर के ऊपर का थोड़ा हिस्सा, वो स्लिप करता है तो बक्खी में दर्द होता है जी और कुल्ले में दर्द होता है। अंग्रेजी दवाई खाने से थोड़ा बहुत कम हो जाता है, जहाँ लोग इसका जुगाड़ लगाते हैं जी, ग्लास वगैरह लगवाते हैं, उससे सही कराते हैं, फिर मामला वही का वही, और वहाँ पिट से दर्द चलकर कभी कभार टांग में आकर गीटे की तरफ जाता है, जिसको लंगड़ी रोग भी कहते हैं जी। काफ़ी समय ये दुख तकलीफ देता है जी। सबसे श्रेष्ठ इसका जो इलाज है वो हरड़ खाएं जी, हरड़ को देसी घी में तल लें, जब वो फूल जाए उसको निकाल के कुटें, उसकी गिटकी निकाल दें, इसका सफूफ बनाकर रखें, सुबह शाम आधे से आधा आधा चम्मच सेवन करें जी, ये 15-20 दिन में मुकम्मल हल हो जाता है जी। और जो दूसरा तरीका है जी, वो है बकरे के जो खरौड़े होते हैं उनका सूप पिए जी, बंदा कोई 15-20 दिन लगातार तो ये सही हो जाएगा जी। चने की तरी, काले चनों की तरी बनाएं, ताँ जो मनके हैं उन पे चर्बी आ जाए, और वाय को कंट्रोल करने के लिए संभालु के जो पत्ते हैं जी, इनके काढ़े का थोड़ा थोड़ा सेवन किया जाए तो वायु बहुत जल्दी ही कंट्रोल आ जाती है। और ये गर्म बड़ा होता है जी, खुश्क होता है, ये बड़ा गर्म मजाज का है जी, इसके साथ थोड़ा घी का सेवन करें जी। ठीक है जी, और जो इसका शास्त्रीय मर्यादा में इलाज है वो है जी, अकांगवीर रस 10 ग्राम लें, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, बृहदबाथ चिंतामणि रस 1 ग्राम, स्वर्णमाक्षिक बसम 5 ग्राम, इनको सभी को मिक्स करके इसकी 60 पुड़ियां बना लें जी, एक पुड़ी सुबह एक पुड़ी शाम को इसका सेवन करें जी। वायु वाले जो पदार्थ हैं इनको बंद करें, जैसे चावल है जी, छिलके वाली दालें हैं इनको बंद करें, और जो कुस्ताकली होती है जी, ये इसका भी इसको सही करने में बहुत श्रेष्ठ हल है जी। कुस्ताकली लें आप, बढ़िया क्वालिटी की बनी हो, उसको 2 रत्ती नींबू के रस के साथ 3 महीने यदि सेवन करते हैं तो हड्डियों का कोई रोग नहीं रहता जी, ना डिस्क स्लिप करेगी, ना आपका कोई मन का इधर से उधर होगा जी। ठीक है जी, इस बात को समझें, इसका इलाज खुद करें जी। ऐसे तो बाजारों में बड़े हैं जी लोग जो ग्लास से इलाज करते हैं, कोई देसी जुगाड़ लगाता है, कोई चेपी लगाता है, कोई ग्लास लगाता है, मसला फिर वहीं का वहीं है, अंग्रेजी की तरफ चले जाओ, यदि दर्द ना ठीक हो तो बोलते हैं मणकों का ऑपरेशन करना पड़ेगा, डिस्क का ऑपरेशन करना पड़ेगा, अरे वायु बड़ी हुई है उसका ऑपरेशन क्या करोगे जी। ठीक है जी, इस बात को समझो, जो वायु के रोग हैं वो कमर से नीचे नीचे होते हैं जी, जो बलगमी रोग होते हैं वो छाती से ऊपर ऊपर होते हैं, जो पित्त के रोग होते हैं जी, ये पेट में उत्पन्न होते हैं जी। ठीक है जी, बात पित्त कफ तीनों लहजों को समझ जाओगे जब आप, तो ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी जी। ठीक है जी, ये थी जी जो मन के दब जाते हैं या डिस्क स्लिप हो जाती है जी, उनके लिए ये छोटा सा मशवरा था हमारा, यदि किसी के काम आ जाए तो इसको अपना कर देखें जी। जो महंगा इलाज नहीं करवा सकता जी, वो हरड़ का सूप बना कर रखें, आधा आधा चम्मच सुबह शाम लें, यदि हरड़ खाने से पेट झड़ता है घबराने वाली बात नहीं है जी, हरड़ है जो 7-8 दिन में खुद ब खुद बॉडी को अपने हिसाब से ढाल लेती है, घबराने का कोई भी मसला नहीं है जी। हरड़ है जो ये ठंडी होती है जी, बाजू नाशक है,